तो नमस्कार, हम वाणी जी कुमार और हम सब चालू कर दल बन जा न्यूज तक भोजपुरी देखे। दरअसल आज हम बात कर बनी एगो ऐसा धार्मिक फिल्म, फिल्म का नाम बा जय माँ तारा चंडी। तो फाइनली फिल्म जय माँ तारा चंडी से जुड़ल कुछ अपडेट्स आयल बा और फिल्म के प्रथम लुक भी आयल बा। तो हम प्रथम लुक के भी एनालाइज करब और बात कर लिए फिल्म से थोड़ा सा डिटेल्स में भी। तो चलिए इस सब कुछ देखे और जाने के लिए चल बनाए बन या तो सब्सक्राइब कर जा, बेल आइकन घंटी जरूर दबा जा और बाकी संग मित्र और दौर दयाज संग भी अगर अगर शेयर जरूर कर दीजिए यार। तनि मनी रिक्वेस्ट करो वहाँ लोगों से हमारा बटला ही बट। चलिए मैंने वीडियो को चालू कर दिया जाए जो ना फिल्म का नाम बात जय माँ तारा चंडी। एक्चुअली जय माँ तारा चंडी ये फिल्म एगो भक्ति फिल्म होकर भी है। देखिए इस तरह के ना जाने बॉलीवुड में या भोजपुरी में भी तमाम सारा फिल्म देख चुके लोग हम कहें कि अक्सर इस तरह के फिल्म में एक ही टाइप के कहानी होला जो ना में जौन धर्म के नाम पर या जौन भगवान के नाम पर फिल्म बनला बस वो भगवान के महिमा और गुणगान ही होला। इस फिल्म में भी एकरा से अलावा और ही कुछ भी नयापन देखे के ना मिली। बात करब हम भोजपुरी सिनेमा के इंडस्ट्रीज के जौन रवैया, जौन चलन और जौन इतिहास एक घड़ी चलत नया पर जौन बना दटे भैया एकर बहुत ही दयनीय इतिहास बा बने वाला और सच में अजीब टाइप के ये फिल्म होखे वाली भी बिया। फाइनली फिल्म में माई के गुणगान के अलावा और कुछ भी ना दिखे वाला बटे ये हमार पूरा गारंटी बटे। काहे कि इस फिल्म में वह चीज़ होत हुई वह चीज़ दिखे के मिली जौन कि मतलब कोनो काम बिगड़ल बा माई के शरण में गोइल बन जेबे, कोनो ऐसा शक्ति राउर दिमाग पर छवले बटे माई के शरण में जेब सब सही हो जी, कोनो ऐसन काम तहार नहीं खे ओखत माई के शरण में जेब सब हो जाए, कुछ ऐसा है इस फिल्म में भी देखे के मिली। हमको नहीं पता कि अगर आज जितना आदमी के लगे समस्या बटे चाहे बहुत सारा लोग बटे, अभी हाल ही में सरकार के वो डाटा भी आई लगे जो ना में मजदूर इंसान मतलब गरीब तबका के मजदूर इंसान हर रोज़ एक 130 आदमी से अधिक लोग आत्महत्या करता इस पूरा भारत में। तो आखिर ये लोग अपन समस्या सुनावे खातिर काहे नहीं के अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिर मस्जिद में जाके लोग अपन समस्या हल कर ले। लेकिन ऐसे ही अब साबित होत बटे कि मेहनत कैला पढ़ला लिखला नौकरी से पैसा से ही समस्या हल हो सकेला। ये फिल्म एगो प्रोपेगेंडा के तहत ही बनावल जा रहा भी है। तो फाइनली जय माँ तारा चंडी इस फिल्म के उपेक्षा एक तरह के ना जाने हर एक फिल्म से जैसन हुई वही उपेक्षा के हिसाब से ये फिल्म में भी देख मिली, कुछ भी नयापन ना देख मिली। और सबसे बड़ा बात बा कि इस फिल्म में आज गवई स्टार मतलब गायकीय परंपरा के निभावते हुए गवई स्टार अंकुश राजा जी लोग बाटे, तब लोग जानते बड़े लोग एक्टिंग कितना टूट टूट के निकलेला कितना फूट फूट के निकलेला। इस फिल्म में भी वही तरह से एक्टिंग देखे के मिली जौन कि इनका पिछला कई को सारा फिल्म में रहा लोग देख चुकल बन। बाकी एवरी के उन लोग के साथ ऋतु सिंह नजर आवल बड़ी। अब ऋतु सिंह भोजपुरी में बहुत सारा बड़े बड़े फिल्म में देख चुकल बड़ी, शायद इस फिल्म में कितना बढ़िया और कितना कमाल से रोल निभाइन कि वक्त आई तो देखला के बाद पता चली। बाकी बात कर लेने के फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में, तो फिल्म के प्रोडक्शन यानी फिल्म के निर्माता बनी अजय गुप्ता और उमा गुप्ता। अब अजय गुप्ता उमा गुप्ता लोग के मन में ऐसा का आए लोग कि इस तरह के फिल्म के प्रोड्यूस कर चल बढ़ जाए, हम बता देते हैं ओकर भी इफेक्ट। एक्चुअली आज भी भोजपुरी सिनेमा में कुछ ऐसा सारा दर्शक लोग बाटे कि तरह के फिल्म के आज भी उतना ही भाव लोग दिलन जितना देवे के चाहिए, ठीक बट ऐसा फिल्म बने के चाहिए हम एक तनिक भी अनादर नहीं कर देने, लेकिन फिल्म में मेकिंग इतना तगड़ा रहे के चाहिए मतलब कहानी इतना तगड़ा रहे के चाहिए ओको चाहिए स्क्रिप्ट कि देखने के बाद मन बोले दिल बोले हाय हाय का फिल्म है। लेकिन ये फिल्म अब कहते हुई कैसा ना हुई ये वक्त आए तो देखने के बाद पता चल जी, ऐसे पहले भी सब कुछ कह दिया ठीक नहीं खे लागत। बाकी फिल्म के डायरेक्ट करे बनी अजय सिंह। अब अजय सिंह के डायरेक्शन में ये फिल्म कितना बड़ा मतलब बड़का वाली फिल्म हुई ये देखला के बाद ही पता चल सकेला, बाकी और ही हम का ही कह सकें। बाकी स्टार कास्ट में अंकुश राजा, ऋतु सिंह के अलावा और बहुत सारा लोग बाटे, वक्त आई तो हम जरूर बता दें, बस देखत रही जा।